फ्रेंड, मेरे चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक और रेसिपी लाई हूँ। तो देखिए, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने भिंडी लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया और आधे घंटे इसको ऐसे ही रहने दिया था जिससे इसका पानी ख़त्म हो जाए। इससे भिंडी जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर कट किया, एक प्याज है, हरी मिर्च है, यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने लिया है, थोड़ी सी मैंने मीठी दही ली है। यहाँ पर आपको दही लेना है। मैं आज आपको दही वाली भिंडी बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, लहसुन अदरक मिर्च मैंने तीनों को ले लिया है। यहाँ पे हींग है, नमक है और ये मसाले हैं और मस्टर्ड ऑयल है। देखिए, इतने इंग्रेडिएंट्स हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया, अभी गर्म हो रहा है, तब तक हम दही मसाला तैयार कर लेते हैं। दही मसाला तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसमें हल्दी थोड़ा सा डालेंगे और ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बन के तैयार होती है सब्जी। एक बार आप ट्राई करके देखना, ये देखिए। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये बहुत अच्छी भिंडी बन के तैयार होती है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा पहले हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हमारा जो भिंडी है ना, उसको हम डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसको लाल होने तक भूनेंगे। देखिए, इसको हम थोड़ा देर भूनते हैं मीडियम आँच पे। तब तक आप बने रहो मेरे चैनल पे। और इसको हम किसी चीज़ से थोड़ा सा ढक देते हैं, इससे जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये देखिए, हमारा दही मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको अच्छे से जितना हो सके आप फेंटिए। देखिए, और यहाँ पर देखिए, मैं इसको तब तक कूट लेती हूँ। देखिए, हल्का हल्का भिंडी जो है वो कलर अपना बदल रहा है। इसको थोड़ी देर आपको फ्राई करके रखना है। देखिए, हमारा भिंडी यहाँ पर हो चुका है। मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा राई डालूंगी, थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी यहाँ पे, अच्छी तरह से गरम तेल में मिला दूंगी। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कड़ी पत्ता डाल दूंगी, प्याज, कड़ी पत्ता के डालने से ना इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आते हैं। देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा तरह से पेस्ट करा दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे कि प्याज हमारा जल्दी से पक जाए। तो देखिए, मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसको हम अब अच्छे से मिला देंगे जिससे कि हमारा जो प्याज है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, और मैं गैस के फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और इसको हम ढक देंगे जिससे कि प्याज हमारा फटाफट पक जाए। ये देखिए, तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अब देखिए, अब हमारा जो प्याज है वो पक चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। और इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। हम भर देंगे और थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम आंच पे ही, जिससे टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से प्याज के साथ गल चुका है। अब मैं अदरक लहसुन मिर्च मैंने कूटा था उसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर मसालों के साथ पकाऊंगी। अब इन्हीं के साथ मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मैं सब्जी मसाला और थोड़ा सा मैं मीट मसाला डाल दूंगी और इन सभी चीज़ों को इसके साथ ही मिला दूंगी। मिलाने के बाद थोड़ी देर इसको पकाएंगे जिससे लहसुन मिर्च का टेस्ट जो है वो पूरे मसाले में आ जाए। इस तरह से आप बनाएंगे ना सब्जी, तो आपकी सब्जी बहुत ही अमेजिंग और बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए, ये देखिए, अब जो लहसुन वसन है ना, ये भी इसके साथ अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने जो दही का मिश्रण बनाया था ना, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम चलाएँगे जिससे कि ये फटे ना। ऐसे फ्रेस चलाते जाइए। अब देखिए, इसमें हम इसको हम ढक के थोड़ा देर पकाएंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाए। ये देखिए, हमारा जो मसाला है ना वो अब पक चुका है, इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, इससे जो सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए, और इसको हम थोड़ी देर तेज फ्लेम पर इसको
हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से पूरे सभी को मिला लीजिए आप इस तरह से, और इसको हम ढक देंगे और थोड़ी देर हम पकने देंगे। अभी हम भिंडी नहीं डालेंगे। अब देखिए ये बॉईल हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और जो हमने भिंडी फ्राई की थी उसको इसमें डाल देंगे, और थोड़ी देर इसको हम इस ग्रेवी के साथ पकाएंगे जिससे कि भिंडी जो है अच्छी तरह से मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। इसको ढक दीजिए, थोड़ी देर पकने दीजिए। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।